अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब उम्मीद अच्छे होंगे। तो हमारा जो है ना वो दिन शुरू हो चुका है और इस कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। काफ़ी कुछ हो गया। अभी जो है ना माँ और अब्बा बरिशाल चले गए हैं, अभी घर हमारा पूरा खाली हो चुका है। मैं इमोन और आर्यन है, तो अभी हम लोगों को ही मतलब कैसे इतनी सारी चीज़ें हैंडल करेंगे पता नहीं, क्योंकि माँ और अब्बा जब फैमिली जब एक साथ रहते हैं ना तो पेरेंट्स जो है ना वो हैंडल करते हैं ज़्यादातर चीज़ें। जब हम मतलब अकेले रहते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी होती है, लेकिन जब हम मिलजुल के रहते हैं तो जिम्मेदारियाँ बटे हुए होते हैं सबके ऊपर। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि अभी मैं और इमोन जो बच्चे हैं तो अभी हमें ही सब कुछ इतना बड़ा घर हैंडल करना है और बहुत सारी चीज़ें, बच्चा देखना, अपना काम करना। तो कैसे होगा गाइस पता नहीं। अभी जो है ना बस आप लोग बहुत सारी दुआएं करना और इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं कमिंग व्लॉग्स में हम क्या करते रहते हैं। और इसी के साथ ही मैंने अपना रूम जो है वो भी पूरा बेड बेड के साफ किया है। अभी आर्यन सो रहा है तो इसलिए मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज ना दिन को खाना पकाना है, तो खाना जो है ना मैंने कुछ आलू का सालन बनाया है और इसमें ना सोच रही हूँ कुछ अंडे शंडे डाल दूँ जो कि मैंने कभी पहले नहीं किया, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ और देखेंगे फिर इमोन का रिएक्शन भी क्या है। और चलो नीचे चलते हैं, आपको इमोन से भी मिलाते हैं। और आज मैंने, क्योंकि गर्मी आ गई है तो मैंने हिजाब कुछ इस तरीके से रखा है, तो मुझे बताना आपको ये वाला स्टाइल कैसा लग रहा है। और इसी के साथ ही चलो आज का दिन करते हैं शुरू। और अभी जो है ना मैंने इंस्टाग्राम में भी एक रील बनाई थी, इतना मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती, मुझे टाइम नहीं मिलता आजकल, लेकिन उस रील में मैंने ये वाली एक लिप कलर जो है ना वो शेयर की है। ये वाली लिप कलर इतनी अच्छी है, मुझे ना न्यूड लिपस्टिक काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेट न्यूड, तो मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं। मेरे ऊपर शाइनी लिपस्टिक्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते, हर इंसान डिफरेंट होता है। मैंने बहुत ट्राई किया कि देखूँ जो लिपस्टिक्स शाइन करते हैं ग्लोसी वो वाले, मेरे पर सूट ही नहीं करते। तो जब भी मैं न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ या कुछ मेट, तो मेट वाली काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये वाली ना एक बांग्लादेशी ब्रांड है निर्वाना, तो इसका मुझे कलर्स ना काफ़ी अच्छे लगे। मतलब मुझे कुछ बहुत ही सैचुरेटेड कलर्स पसंद नहीं है, कुछ नेचुरल से ही टोन्स पसंद है। तो उसमें से ये वाला एक है जिसका नाम है किसमी। नाम देखो ना कैसा है। और चलो अभी आज का दिन करते हैं शुरू। गाइज हमारी छत देखो कितनी साफ है, हमारी हाउस हेल्पर है ना उसने डेली आती है तो छत जो है ना पूरी साफ करके चली गई। तो माशाल्लाह से छत जो है ना पूरी क्लीन क्लीन है, मतलब माँ का घर हमारा घर, मुझे हैंडल करना है, अच्छे से साफ सुथरा रखना है, तो इसके लिए बस मुझे बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अच्छे से। बाकी बिहाइंड द सीन देखो ये वाली चीज़ें, ये मेरा ना पिंस का मैंने बनाया था कुछ, क्योंकि मैंने जब से हिजाब स्टार्ट किया है ना तो ये वाली चीज़ें भी कुछ सेट करके रखी हैं कि अलग से एक बॉक्स हो जिसमें ना आपके सारे पिंस वगैरह हो जो कि निकालने में इजी रहे। तो ये वाला बॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है। ये इमोन के बेल्ट का डब्बा है लेकिन मैंने ले लिया। बाकी ये वाले सारे पेंट जो है ना, ये वाले सारे इस्त्री होने हैं। तो ये वाली जो मेरी आयरन है, इस आयरन के पानी जो है वो ख़त्म हो गया, और इस आयरन का जो पानी है ना वो वाला पानी नॉर्मल पानी यूज़ नहीं होता, डिफरेंट पानी एक यूज़ होता है, तो वो वाला ख़रीदना पड़ेगा। और गाइस चलते चलते एक चीज़ शेयर कर दो, अगर आप लोग व्लॉगिंग करते हैं या वीडियोस करते हैं तो उसके लिए ऐसे स्टाइल का जो है ना मोबाइल स्टैंड काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इवन घर भी बात कर रहे हो ऐसे टेबल पे रख दो और ऐसे बात कर सकते हो। ये वाला मैंने जस्ट रिसेंटली दराज से ख़रीदा और काफ़ी मज़ेदार है, हेल्पफुल। गाइस ये देखो मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ये मैंने आलू रखे थे और अच्छे से इसको भून लिया है कि थोड़ा सा थिक हो जाए और आलू जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से मसाले से सारे डाल के, गरम मसाले, अदरक लहसुन सब कुछ, तो मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है इसका, टेस्ट किया था मैंने। और ये रहे अंडे फ्राई किए मैंने, अब इसमें डालेंगे और देखेंगे कि इसका ना क्या बनता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो चलो एक एक करके अंडा डालते हैं। अभी मुझे पता नहीं पानी इसमें कितना डालूँ, पानी डालूँ कि नहीं डालूँ, क्या करूँ पता नहीं। पहले सबसे पहले ना सारे अंडे उसे सेट करके रख देते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू एंड यू गाइज नो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग, तो ये वो खाना हो या कुछ भी हो तो चलो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि अजीब होगा, कुछ मज़ेदार होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे लगता है रस वाला बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा पानी एज करना पड़ेगा। इसी के ऊपर हल्की सी मैंने जो काली मिर्च है ना वो छिड़कना चाहती हूँ, तो उससे काफ़ी मज़ेदार टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा दम पे रख दूँगी, तो ये रही काली मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे इधर। और इमोन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार तुम इधर क्यों आ गए, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था, तुम इधर क्यों आ गए?
मैं तुम्हारे लिए एक नई डिश बना रही थी, देखो ना तो क्या बनाया। देखो इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, देख लिया, देखो क्या बनाया है। क्या है बोलो? पराठे का सालन। पराठे का सालन? नहीं 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 नहीं, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। नहीं 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 नहीं, अंडा है यार, अंडा जो है ना फ्राई किया है मैंने, फिर उसमें डाल दिया है। कैसा अंडा है? खाया है कभी ऐसा कुछ? चलो आज ट्राई करना। और जो है ना फ्राई ऑमलेट अंडा? हाँ नहीं, नॉर्मली टिक्की वाला जो गोल अंडा होता है ना, खतरनाक लग रहा है, टेस्टी लगे। नीचे आलू है, ऊपर अंडा है। हाँ, और इसमें काली मिर्च देखे, अभी ढक्कन देके मैं रख दूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो अभी? हाँ सुंगो, मुझे टॉफी नहीं गिर जाए। नहीं, टॉफी खा रहे हो? चलो सुन के देखो, स्मेल करो कैसा आ रहा है। अच्छा रहा है, गोश्त गोश्त। मैंने कुछ मजेदार मसाले डाले ना। और इमन सुनो, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मैंने एक ड्यूटी दिया था, आर्यन को, आर्यन के साथ बैठो। मेरा डिलीवरी आ जाएगा, वो पिक करने जा रहा हूं। क्या डिलीवरी है? पेड़। कौन सा पेड़? कुछ पेड़ ऑर्डर किया। इमोन की जो है ना बस प्यार पेड़ों के लिए, जाओ लेके आओ ऑनलाइन। अच्छा, डिलीवरी वाला देख के नहीं जाएगा, तुम लेने जाओगे? जाओ जाओ जाओ, जल्दी आना। चलो मैं जाऊँ फिर आर्यन के पास ना। चलो गाइस, इमोन को मुझे देना था सरप्राइज, और वो आके खुद देख के भी चला गया क्योंकि मैंने क्या किया, किचन का दरवाजा ना बंद नहीं किया, ये गलती कर दी मैंने। तो कोई बात नहीं, अभी मुझे क्या करना है, ये जो है ना ढक्कन, इस ढक्कन को जस्ट लगा देना है, ठीक है। और अभी जो है ना ये 5-10 मिनट में जो है ना उसकी फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी, जो होते है ना क्या बोलते हैं यार, काली मिर्च की। और ये रही हमारी कॉफ़ी, जो कि कॉफ़ी इमोन ने बचा के रखी है, मैंने पी ली थी, तो ये वाली कॉफ़ी मैं अभी पी रही हूँ, इमोन की ब्लैक कॉफ़ी। और उसी के बाद आपसे मिलती हूँ जब आर्यन उठ जाएगा, और हमारा खाना जो है ना वो बाद में टेस्ट करेंगे कैसा होगा। गाइस अभी 10 मिनट हो चुके हैं, और अच्छा खासा दम हो चुका है, और ये मज़ेदार एक आ रही है खुशबू, काली मिर्च ना उसकी बड़ी खुशबू आती है अच्छी, अगर आप कोई भी चीज़ दम पे रखो और एंड में थोड़ा सा डाल दो तो गुड गुड। अभी बाद में खा के देखेंगे कैसा हुआ है। ये आ चुका है हमारा दिन का खाना, और अभी जो है ना इमोन आपको टेस्ट करके बोलेगा खाना कैसा हुआ है, यस और नो। सच में अच्छा लगा? गोल गोल अंडा में क्या होता है कि एक बार दो तीन बाइट में खत्म हो जाता है। मैंने सोचा पहले बॉयल अंडा दूं, फिर मैंने सोचा कि इसे फ्राइड है, कि गोल अंडा दो तीन बाइट में खत्म हो जाती है, बहुत देर तक खा सकते हो तुम। तो दो तीन अंडे भी खा सकते हो, नहीं ज्यादा अंडे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे ना। एक अभी खाओ, एक रात को खाना। एक ही सालन बनाया है, अलग अलग दो डे सालन नहीं मिलेंगे तुम्हें। एक ही सालन मिलेगा जो रात को भी चलेगा, अभी भी चलेगा। और आर्यन गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू ईटिंग? आलू? सारा आलू मुंह में डाल, आलू पूरा आलू मुंह में डाल दिया, फंस तो नहीं जाएगा? आलू आंग आंग खाएगा आर्यन। बंदर आर्यन की मोर, बोलो मोर, उठाओ उठाओ, खाना खा रहा है। मोहन ये खाओगे? नहीं, एलर्जी हो जाती है। क्या है? पूछा भी नहीं क्या है। तो बादाम दिख रहा है। बादाम? कौन सा बादाम? सीधा बादाम। गाइस ये मैंने घर पे बनाया था, ये बहुत ही टेस्टी बना था, लाई बोलते हैं इसको, लाई खाओगे? लाई टेस्टी है, लेकिन पीनट से मुझे एलर्जी है। ओके ओके, आर्यन तुम ही खाओगे? आर्यन खावा, ओके ओके बोलो। आर्यन ने अभी भी बोला ओके ओके। आर्यन खाओगे? खाई बच्चे। कौन सा दूंगी, देखो ना कितना चिपका हुआ है, आर्यन खा पाएगा? ब्राउन चीनी से, ब्राउन चीनी से, और ये बहुत मजेदार हुआ गाइस, बहुत। आर्यन चाटो, खिलाऊंगी नहीं, इसे चाटो। स्पाइसी बहुत पसंद है। आर्यन को स्पाइसी चीजें पसंद है, नॉट स्वीट। मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा मुझे। खाओ, देखी खाना लगा हुआ है मुंह पे, तो खाना लगा हुआ है, देखो खा के दिखाओ। अजय आ गए पार्क में आर्यन के साथ, छोटे आर्यन। आर्यन ये तो लड़की के पीछे भागे, वो छोटा बच्चा देख के जा रहा है इधर, ये छोटे बच्चा देख के दोनों एक दूसरे के देख के दौड़ रहा है कैसे। अरे कितना खूबसूरत, आई हाय देखो ना बच्चे, वो वाला आगे वाली बच्ची जो है ना वो आगे भाग रही है क्योंकि उसे गेट से बाहर निकलना है, और आर्यन उसके पीछे पीछे भाग रहा है क्योंकि आर्यन को भी जाना है। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और आर्यन मम्मा तुम्हारी क्या शॉपिंग करके आई है?
रुको, बाहर जाते हैं सिर्फ शॉपिंग करके आते हैं मामा। तो आज हम लेके आए हमारे इस रूम के लिए बेडशीट्स, क्योंकि जो हमारी बेडशीट थी ना वो सारे घर में हर किसी के रूम में चली गई। तो अभी जो है ना इस रूम में देखो दो मैट्रेस है ना, तो इन दो मैट्रेस के लिए हमेशा क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बेडशीट ना अजीब लगते हैं, तो इसलिए मैंने रिमोन ने सोचा कि हम लोग क्यों ना कुछ ऐसा करेंगे मैचिंग मैचिंग बेडशीट लेके आए। मामा खोल के दे। तो फिलहाल ना हम लोग तीन लेके आए हैं नए नए बेडशीट्स, और उसका डबल डबल सेट लेके आए हैं हर चीज का, दो दो दो। आर्यन के लिए खोल नहीं दे रहा, अरे इसमें कार्टून बने हुए, खुश हो रहा है, थोड़ी ड्रॉइंग है। ये वाला दिखाऊं सबसे पहले, तो चलो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर आज ना कौन सा वाला बेडशीट लगा भी दे, कौन सा वाला लगाए बोलो। रेड वाला ही लगा। अच्छा रेड वाला। आर्यन रेड कलर वेयर आर यू। देखो ये वाला डिजाइन है, इसमें अंदर व्हाइट कलर का कुछ घर शहर बने हुए, थोड़ा छोड़ा बना, क्रिसमस थीम है क्या ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो गाइस ये वाला एक कलर है, ये वाला लिया है, देखिए ये वाला इमोन बोल रहा है अभी लगाए, तो चलो हम लोग ये वाला ही लगा लेंगे। रेड कलर का लगाए, ठीक है। आप कौन सा लगाना चाहते हो? जो भी लगा, ये वाला कलर भी अच्छा है। आप ये लगाना चाहते हो? असल में क्या होता है कि आर्यन की तरफ बैठ के खिलाते हैं ना, खाना गिर के स्पॉट पर गिर जाता है। बच्चे वाले घर में तो ये चीजें होंगी। तो गाइस एक ना ये वाला कलर है, ये वाला कलर काफी मुझे अच्छा लगा, हल्का हल्का सा कलर। मुझे ऐसे फूल वाला कलर बहुत ही खराब लगता है, मजा ही नहीं आता। फूल डिजाइन टाइप फ्लोरल फ्लोरल डिजाइन कहते हैं इसे, मुझे पसंद नहीं है। और उसके अलावा लास्ट जो है ना हमने डार्क कलर लिया है, ये अच्छा है। ये वाले में क्या बना हुआ है, इसमें भी छोटे छोटे पत्ते वाले, लेकिन ये फ्लोरल नहीं है, ये नेवी ब्लू कलर है। हाँ। ये फ्लोरल नहीं दिख रहा क्या कर रहे हो बच्चे? तो इसमें ना हल्के हल्के से कुछ ये डिजाइन है, तो आप लोग बताना कौन सा अच्छा लगा। और उसके अलावा जो है ना अभी कौन सा लगाएंगे, इन्होंने रेड बोला, चलो रेड ही लगा लेते हैं। मेरे ख्याल में ये लगाया आज, नहीं नहीं पहले देखिए, ना रेड लगा है। ये क्या है तुम्हारे बेटा? भले भले डार्क ही लगा, चलो आपकी मर्जी। ये वाला लगा है। और उसके अलावा गाइस अपने रूम की सेटिंग जो है ना वो भी चेंज कर दी है। देखो आर्यन का घर जो है ना इधर पीछे चला गया, और मैं टीवी जो है ना इधर आ गई, और क्योंकि इसके पीछे खिड़की है, और ये जो है ना पहले इधर था, आर्यन का घर पहले इस साइड पे था। आ गई हमारी शाम की चाय विथ क्या है ये ब्रेड, और ये क्या है इमोन, निम्को ना स्पाइसी समथिंग। ये रोटी को ऐसे चाय में डाल डाल के खाने में जो मजा आता है ना इमोन, ऐसा मजा कहीं भी नहीं आता। और जब रोटी टूट के अंदर चली जाती है जो दुख होता है ना इमोन। गाइस ये बेडशीट जो है ना वो लगा दिए, चलो। तो गाइस ये रही हमारी ह्यूज साइज बेडशीट, जो कि ना ऐसा लग रहा है अभी पूरा वन मैट्रेस है, और ये अभी बहुत पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन होता है ना टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो चलो दे सही दुरुस्त सही, अभी जो है ना अच्छा लग रहा है, इधर छह सात आठ लोग आराम से आ सकते हैं, पिलोज बस इसे अच्छे से रख देंगे, और मूवी देखो, मूवी मूवी रूम में ही हमारा वैसे, और बेसिकली आर्यन के साथ टाइम स्पेंड करने वाला रूम है ये हमारा, तो मजा ही आ रहा है, अच्छा ही लग रहा है। देखो चाय शाय जो है ना ऐसे पीते हैं फ्लोर पे रखते हैं, बेड पे नहीं, बाकी जो है ना बढ़िया है, बहुत अच्छा अच्छी से सेटिंग हो गई, कम सामान है रूम में, और हमारे कम्फर्टेबल जोन है, हम इधर मैट्रेस यूज करते हैं, आजकल हम ऊपर जाते ही नहीं है। और हमारा रूम फिलहाल खाली सुना बन पड़ा है, लेकिन हो सकता है बाद में जाए, पर फिलहाल आर्यन छोटा है ना, सीढ़ी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जब तक आर्यन सीढ़ी से मतलब जंप करना नहीं सीखे अच्छे से। और हमारी खूबसूरत सी बालकनी है इधर, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखो आर्यन का इतना छोटा छोटा मिनी मिनी बिस्किट है। आर्यन बिस्किट खाबा, यू वांट टू ईट बिस्किट? बिस्किट बिस्किट है, बिस्किट आर्यन बिस्किट खाबा। हाँ आर्यन का फेवरेट बिस्किट आजकल पता है कौन सा है? पिज्जा बिस्किट, स्पाइसी वाला बिस्किट। फ्लोर पे रख दिया। हाँ बिस्किट दिया क्या? अल्लाह तुम्हें बिस्किट दिया, तुम बिस्किट नहीं खाओ? अल्लाह तुम जा, अरे मुझे बोल रहे दांत ब्रश करूंगा, समझे क्या? दांत ब्रश करके दिखा मम्मा को, मनम मनम। आर्यन तुम मम्मा को ब्रश करके दिखाओ, ब्रश करके दिखाता है, अकेला अकेला कर रहा है ब्रश, पता है मुझे भी नहीं देगा करने के लिए, देखो ना कितना जोर से दांत बोल रहा है। आर्यन दांत ब्रश करो, ब्रश ब्रश, शाबाश, बैठ बैठ के इधर करेगा। सिमोन कब से काम कर रहा है ना, उसको कॉफी की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं उसके लिए कॉफी लेके आई हूँ। देखो कितनी प्यारी सी फिश वाली प्लेट में, इमोन लो थोड़ी सी कॉफी पी लो। कामचोर हूँ, ये है इंस्टेंट कॉफी जो आप ट्रेवल में भी पी सकते हो।
फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का ब्लॉग जो है वो एंड करती हूँ, और आगे अपकमिंग लाइफ में काफी चैलेंजेस आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी पूरे कर देंगे। और इसी के साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुदा हाफिज़, बाय बाय।학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아